जी हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक बड़ा धचका है पाकिस्तान के लिए, और वो ये है कि जो यूरोपियन यूनियन की एविएशन सेफ्टी एजेंसी है, उसने एक एडवाइजरी जारी की है ये कहते हुए कि जी जो पाकिस्तान है उसकी जो सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक नहीं है। सो लिहाजा जो फ्लाइंग ओवर पाकिस्तान है उसको हवाले से उन्होंने एडवाइजरी जारी कर दी है। पाकिस्तान की हालात पहले ही बड़े ख़राब थे, इस सेंस में कि अगर आपको याद हो कि पाकिस्तान के जो एविएशन के मिनिस्टर हैं, सबक मिनिस्टर रहे थे गुलाम सरवर खान, ये भी तोहफा इमरान खान साहब के दौर में पाकिस्तान को मिला। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के जो तीन पायलट्स हैं उनमें से एक पायलट के पास फेक लाइसेंस है। दिस इज़ व्हाट द पाकिस्तान एविएशन मिनिस्टर टोल्ड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, ऑन द फ्लोर ऑफ द नेशनल असम्बली, जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट का लोअर हाउस है। अब देखें, 30% जो सिविलियन पायलट्स हैं वो कह रहे थे इनके पास फेक लाइसेंस हैं और वो क्वालिफाई नहीं है। उसका नुकसान पाकिस्तान को ये हुआ कि इमीडिएटली यूरोपियन यूनियन ने बैन कर दिया जी कि पाकिस्तान के जो जहाज़ हैं उन्हें, खैर आप अल्लाह के नाम लेके अगर पीएए पे बैठ जाएं तो आपको ऐसे लगेगा आप किसी बस पे बैठ गए हैं, भले वो इंटरनेशनल ट्रैवल ही हो। इतनी खस्ता हालत होती है जहाज़ की, और इतनी, मुझे एक दफ़ा इत्तेफाक मिला है, ऑब्वियसली बीइंग ए पाकिस्तानी दिल तो करता है हमारा जो नेशनल फ्लैग कैरियर है वो थोड़ा इज्जत से दुनिया में जाए, लेकिन जिस तरह का वो खाना देते हैं, खाने को भी छोड़ें जी, फूड इज़ ऑब्वियसली नॉट इम्पॉर्टेंट। वो भी बताता है कि वो जो फूड ऑल्सो टेल्स के जी वो उनका, मैं पूरी दुनिया में अक्सर सफ़र करता रहता हूँ तो अक्सर हम देखते हैं कि जो जो स्टाफ होता है जहाज़ों का, मर्द हो या ख़वातीन हो, बड़े यंग होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अगर आप जहाज़ों में बैठे तो बूढ़े बूढ़े आपको लोग जो है वो लगता है कि ये मुझे ऐसा लगा कि जिन लोगों को जॉब्स मिली हैं वो जॉब छोड़ने नहीं चाहते। इतनी लुक्रेटिव जॉब है, इतने पैसे हैं, वो समझ रहे हैं इसको छोड़ के हम कहाँ जाएंगे। दैट वाज वन ऑफ द माय थॉट, आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस, लेकिन मेरे जहन में एक थॉट था जस्ट मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और आप देखें कि एक वक्त था कि पाकिस्तान के मिनिस्टर फॉर एविएशन ने कहा कि जो पाकिस्तान के 262 पायलट्स हैं उन्होंने एग्जाम ही नहीं लिया। चलो जी, अच्छा, उन्होंने एग्जाम ही नहीं लिया। पाकिस्तान के पास टोटल 860 एक्टिव पायलट्स हैं, ठीक है जी, जो डोमेस्टिक एयरलाइंस वगैरह को चला रहे थे, ठीक है जी, और दूसरा पीआईए के हवाले से भी सारा। तो अब आप इमेजिन करें, दुनिया में तो हमारा पहले ही बड़े बुरे हालात थे, ठीक है जी, दुनिया हमें पहले ही बड़े बड़े अजीब एंगल से देख रही है। अब भला हो इन दहशत गर्द तनजीमों का, भला हो अफगानिस्तान का, भला हो हमारी अपनी नलायकियों का, क्योंकि हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हम ये तो बताएं कि जनाब हमें इंडिया ने हमला कर दिया साढ़े ते, तो अफगानिस्तान पैड़ा है, तो फलाना चंगा है, तो वो पैड़ा है। मतलब वी लव टू से दिस ऑन पाकिस्तानी स्टेट टीवी, बाकी टीवियों पे, लेकिन वो जो कहते हैं ना, जो टेररिस्ट अटैक होता है उसके साइकिल के 7 स्टेजेस होते हैं। पहले वो रिक्रूटमेंट करते हैं, फिर वो ट्रेनिंग करते हैं, वो प्लानिंग करते हैं, वो प्रेपरेशन करते हैं, वो टारगेट को सिलेक्ट करते हैं, वो लॉजिस्टिक्स को मेंटेन करते हैं, एंड देन एग्जीक्यूशन भी करते हैं। उन्हीं देर तक असी सुते होंगे हैं, बाद उसी कहने साढ़े तो फलाने ने हमला करता, फलाने ने हमला करता। तो ये जो 6-7 स्टेजेस हैं, तो आज यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ये कह रही है कि हम पाकिस्तान की फ़जाई हदूद से ना गुजरें, वहाँ पे दहशतगर्द जमातें ऑपरेट करती हैं, टेररिस्ट ग्रुप्स ऑपरेट करते हैं, और उनके पास एंटी एविएशन वेपनरी मौजूद है, और इसका नुकसान ही हो सकता है दैट द सिविल एविएशन रिजल्ट जो है, सिविल एविएशन को हाई रिस्क है, ऑपरेशन है। और वो उन्होंने एल्टीट्यूड भी बताए हैं, उन्होंने कहा अगर FL-260 यानी कि 26,000 फुट की बुलंदी तक हैं तो आपको खतरा है, आप ही जो सारी थोड़ी जो है ना मिसमैनेजमेंट हम जो कर रहे थे, कभी हम ब्रिटिश एयरवेज को कहते थे पाकिस्तान में आओ, कभी हम किसी को कहते थे पाकिस्तान में आओ, एक एक दहशतगर्दाना हमले ने मजीद यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी को मजबूर कर दिया कि वो पाकिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों, जिनको इमरान खान साहब कहते हैं कि इनको पाकिस्तान में लाना बहुत ज़रूरी था, जिनको पाकिस्तान के साबिक वज़ीरे आज़म इमरान खान ने कहा अफगानिस्तान तो नहीं अब 40-50-60 हज़ार दहशतगर्दों को रख सकता था, ये तो फिर हमें लेके आने थे।
और अब वो 40-50 हज़ार वो कहते हैं तहरीके तालिबान के लोग हैं, तो वो कहते थे इनमें 6-7 हज़ार दहशत गर्द हैं, तो उनके लोकल मसले भी हैं, लेकिन कोई नहीं हम देख लेंगे। और रोज़ बंदे खैबर पख्तूनख्वा में मरते हैं, और ये लीडर्स नालायक और नखट्टू लोग जो हमारे बंद कमरों में बैठ के फैसले करते हैं और कहते हैं कि वो अवाम को रिप्रेजेंट करते हैं और वो अवाम को मसलों को जानते हैं, वो जो ग्राउंड में बंदा मर रहा है उसका कौन जानने वाला है यार, उसको कौन पूछता है। हुकूमत जाएगी 2 लाख 5 लाख रुपया, उसको 10 लाख रुपया 20 लाख रुपया दे देगी, उसको सपोर्ट कर देगी। वो जो बाप था, वो जो बेटा था, वो जो बहन थी, वो जो माँ थी, वो उनका क्या होगा अब ये। और फिर ये अच्छा, वो सिर्फ यही नहीं है, वो कश्मीर के हवाले से भी बात करते हैं कि वो कहते हैं ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट है जिसमें मिलिट्री ऑपरेशन जो हैं उनकी भी उन्होंने बात की हुई है। ये पता नहीं अब उन्होंने कैसे ये सारी इन चीज़ों को उन्होंने कर लिया है। ठीक है जी, अब पाकिस्तान की एक ही होती है कोशिश क्या, कि हम दुनिया को कहें भाई पाकिस्तान तो नॉर्मल मुल्क है। हम ये कहते रहते हैं नॉर्मल मुल्क है, उधर कोई एडवाइजरी जारी कर देता है, सारी सारी मेहनत से पानी फिर जाता है। ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं, ये बड़ी अबनॉर्मल चीज़ है। और अच्छा, बहुत सारे पाकिस्तानियों का कहना जी ये जो एडवाइजरी जारी की है उन्होंने यूरोपियन ममालिक की एयरलाइंस के लिए की है, और इस वक्त पाकिस्तान में फ़िलहाल कोई यूरोपियन एयरलाइन लैंड नहीं करती। चलो ये और भी स्थिति गल है, मतलब ये है कि एमरेट्स, कतर, टर्किश, इतिहाद, बाकी जो हैं वो जहाज़ी नहीं है। ठीक है, मतलब वो भी तो आ रहे हैं ना पाकिस्तान के अंदर, लेकिन उनको वो कह रहे हैं कि ठीक है आप जा रहे हैं तो जाएं, लेकिन हमने यूरोपियन एयरलाइन को ही कहा है। और आप देखें कि और कहा जाता है कि पाकिस्तान में जो यूरोपियन एयरलाइंस हैं वो तकरीबन 340 का जो फ्लाइट लेवल है उससे ऊपर सफ़र करते हैं। तो अब ये जो यूरोपियन यूनियन सेफ्टी एजेंसी है, एक तो जैसे मैंने बताया कि उसने कहा 26,000 फुट से ऊंची प्रवास करें पाकिस्तान में, पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ ये कह रही हैं नहीं पायना है, महफूज है, कोई टेंशन नहीं है, जिसमें वो कहते हैं ना अब जारी बात है जिस जहाज़ ने पाकिस्तान में उतरना है वही 26,000 फुट से नीचे आएगा, तो ताई उतरेगा ना, 3,000 फुट तो उतर नहीं सकता, उत्तू बंदे पैराशूट के जरिए तो नहीं लद सकते ना। सो उनको जारी बात है वो आना पड़ता है, और अभी तक कोई ऐसा वाकया आज तक टू दिस डेट नहीं हुआ। लेकिन ये जो ट्रैवल एडवाइजरीज होती हैं, पहले ही आपको मैं मज़े की बात बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर जो बाहर जो हुकूमतें हैं और जो लोग हैं और जो हुकूमतें हैं जो लोग हैं वो पहले ही पाकिस्तान में नहीं आते। क्यों कहते हैं तो दहशत गर्दों के हमले हो रहे हैं, दहशत गर्दों के हमले हो रहे हैं। अब इन चीज़ों को जानते हुए वो कह रहे हैं जी कि आप अगर कभी पूछें जो सरकारी लोग होते हैं मुख्तलिफ मुल्कों के, तो वो कहते हैं कि जी दरअसल रिस्क असेसमेंट हम कर रहे हैं, हम ट्रैवल एडवाइजरीज जारी नहीं कर सकते, दहशत गर्दाना हमले हो रहे हैं, हम अपने लोगों को नहीं कह सकते पाकिस्तान आए, इतने सुइसाइड हो जाता, उतने धमाका हो जाता है, एंड देन अगर हम कहें तो उन लोगों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का क्या होगा, वो लोग जो हैं उनके लिए होटल्स प्रॉपर नहीं हैं, इवैक्यूएशन प्लान नहीं है, फर्स्ट एड नहीं है, एमरजेंसी एग्जिट नहीं है, पता नहीं क्या क्या वो यार वो बातें कर रहे होते हैं। ठीक है जी, और अब ये जो यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने ये कह दिया कि भाई ऑपरेटर्स अपना खुद ख्याल रखें, हमारा काम था इंफॉर्मेशन देना। अब बहुत सारे जो लोग होते हैं ना, ये जो रिस्क असेसमेंट करना, ठीक है जी, ये बहुत सारे लोग अभी ये जारी हुई है, थोड़ा सा मीडिया में शोर मचेगा और फिर गायब हो जाएगी, लेकिन वो जो अदारे होते हैं, वो जो मुल्क होते हैं, जो इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अगर कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाए तो उसके बाद फिर जो होता है वो तो फिर कोई किसी के कंट्रोल में नहीं होता। सो पाकिस्तान हमेशा क्या कर रहा होता है, पाकिस्तान यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी को मैनेज कर रहा होगा, जा के उन्होंने दसेगा पाइन नहीं है, वेखो ना चीज़ है, पाइन है, वेखो हमारे स्टैंडर्ड्स, हमारे गाइडेंस देखें, हमारे रूल्स अच्छे हैं, फलाने आइटम खाने हैं। ठीक है जी, अब ये जो सुनने में आया कि यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी है, इसका जो इसका ऑफिस एक ब्रसल्स में भी है, लेकिन इसका जो हेड क्वार्टर है वो जर्मनी में है, आई थिंक कोलोन में। सो ये आप इमेजिन कर लें कि हमें किस किस तरह के चैलेंजेस जो हैं वो देखने पड़ते हैं
हमें किस किस तरह की जगहों पे जाके अपने आप को डिफेंड करना पड़ता है। जब मैं पहले बता रहा था आपको कि हमारे जब बात आएगी हमारे मिनिस्टर्स की, बात आएगी हमारे पायलट्स की, उन्हें पायलट जड़े ने वो जली ने एविएशन जड़ी फ्लैग कैरियर PIA ओद हाल कोई नहीं। यूरोपियन यूनियन एविएशन ने क्या उसे जाया जाना, तो मतलब क्या कह रहे हैं, व्हाट आर वी डूइंग इन फैक्ट। ये क्वेश्चन है यार, ये बड़े सीरियस क्वेश्चंस हैं, कितनी शर्म की बात है। और फिर हम क्या कह रहे हैं, हम चाइनीज वो बैठे हुए हैं पाकिस्तान में आज वाइस प्रीमियर, उनके लिए हमने अल्लाह के हुक्म से वो कर दिया है जो होता है इस्लामाबाद बंद कर दिया है, उनको हर तरह की जो है ना हमने सपोर्ट दी हुई है कि सर आप पाकिस्तान आए, एंड मैं आपको 5000% गारंटी से कह सकता हूँ ये जो इस्लामाबाद बंद किया गया दैट इज़ ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द चाइनीज़। पाकिस्तान की हुकूमत कभी ऐसा फैसला ना करती, पाकिस्तान की हुकूमत कभी ऐसा फैसला ना करती। हुकूमत सिक्योरिटी दे सकती है, अभी भी हम इस्लामाबाद के रेड जोन में इधर उधर जाएं कोई रुकावट नहीं है, आप जाएं घूमें फिरें कोई मसला नहीं है आपको, लेकिन ये बस एक एक मैयर लिया गया और ये चाइनीज़ रिक्वेस्ट पे लिया गया होगा, आई एम 200% श्योर। और हमने तो 2 दिन जो है वो इस्लामाबाद 3 दिन बंद कर दिया है कि हमारे चाइनी भाई आए हुए हैं वो उनको सड़कों पे वो चल रहे हो तो जिसे वो कहते हैं ना उनके लिए तकलीफ ना कोई हो, ठीक है जी, और इस तरह की चीज़ें। ये आइंदा आने वाले दिनों में हमारे लिए चैलेंजेस ही चैलेंज है। उसकी वजह ये है कि हमारी जो सरकार है वो अनपॉपुलर है। आज हमारी सरकार, क्योंकि इस हफ्ते हमारी हुकूमत ख़त्म हो रही है, हमारे मुल्क में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट ख़त्म हो रही है, तो उसकी वजह से उन्होंने जाते जाते जो पेट्रोल है उसकी कीमतें अल्लाह के हुक्म से उन्होंने कुछ पता नहीं सुनने में आया कि 20 रुपये लीटर बढ़ा दी हैं, 20 रुपये लीटर। तो जो हम 250 रुपये के पता नहीं कितने पे हम डाल रहे थे तेल, 52-53 पे आपको 272-3 पे डालेंगे, अब आप इमेजिन करें कितनी महंगाई होगी। सो हर चीज़ यहाँ पे आर्टिफिशियल चल रही है भाईजान, हर चीज़ आर्टिफिशियल है, हर चीज़ जो है वो लुक वो चल रही है उस अंदाज से कि बस दिहाड़ी कटो, डंग टपाओ, हमारे एक लफ्ज़ बोला जाता है डंग टपाओ स्ट्रैटेजी, डंग मीन्स दिन, ठीक है जी। सो दिन कटो किसी तरीके ना एक अद्धा दिन काट लो पाए, फायर फाइटिंग 24 घंटे फायर फाइटिंग हो रही है, ठीक है, और हुकूमत भी फायर फाइटिंग लगी हुई है, इंडिविजुअल्स भी लगे हुए हैं, मीडिया भी लगा हुआ, सारे लगे हुए हैं, और जो है जिसे वो कहते हैं ना, लेकिन रिजल्ट कोई नहीं। एक जिन्हों कहते हैं ना इधरों चादर खींचने हैं तो उधर नंगे हो जाते हैं, उधरों खींचने हैं तो उधर नंगे हो जाते हैं, हुकूमत का बेचारी का यह हाल हो, तो मुल्क का भी यही हाल है। सो ये अब आप इमेजिन करें ना कि पहले हमें वो कहते थे कि आप PIA जा ही नहीं सकता यूरोप में, ये भी बिस्ती दी गल, ये कितनी यार इंसल्ट की बार, हम दिस इज सच अ शेम फॉर द कंट्री। 75 ईयर्स, आप मुझे याद है कि मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, आई थिंक आई वॉज ऑन एमरेट्स, तो मैं US से आ रहा था, तो मेरे ख्याल है एमरेट्स की डॉक्यूमेंट्री है किसकी, मैं देख रहा था तो पाकिस्तान का जिक्र हुआ कि उन्होंने हमसे जहाज लिए किराए पे या थोड़ी देर के लिए, हमसे जहाज लेके यार वो तरक्की कर गए। फिर कहते हैं जी अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है जी, उधर बादशाह बैठे ने, उधर जमहूरियत कोई नहीं है, उधर बोलने की आज़ादी नहीं है, वो कहता खान पीन याशी की तो आज़ादी है ना यार, बोलने बोलना की बोलना बंद कमरे से बोल लो तुम लोग, फिर इस तरह भी बातें करते हैं, बाहर जाके जरूर TV तो मुंह खोलना, बंद कमरे में जो मर्जी बोलो, बाहर जा काम करो, रोटी खाओ, पानी पियो, ऐयाशी करो, मतलब ये ज़िंदगी है ना। हमसे किराए पे 4 जहाज लेके जाके उन्होंने एमिरेट्स पूरी दुनिया में खड़ी कर ली, और साढ़े को मतलब कख भी नहीं, असी तो अपना सब कुछ बना बनाया तबाह कर लिया, बना बनाया हमने तबाह कर लिया। आज हम हर जगह हमारे हमारे जो लोग हैं ना जो सरकार में बैठे हैं वो सारा टाइम एक ही चीज़ कर रहे हैं, ठीक है जी, वो सारा टाइम एक ही चीज़ कर रहे हैं, वो तसलियाँ दे रहे हैं, नहीं, ठीक हो जाएगी, जैसे ही वो मीडिया या चीज़ों से बाहर निकलते हैं आंदने की करिए पाए बस फंस गए हैं, वेखो ना ला दिया ऐसे, लेकिन पावर का हुकूमत का नशा ही इतना है, कोई बंदा छोड़ना भी नहीं चाहता, कोई ख़त्म भी नहीं करना चाहता, वो चीज़ें जो हैं वो अपनी जगह पे चल रही हैं। सो अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट, ये चीज़ है, दुख होता है देख के, तकलीफ़ होती है कि हमने जो है वो अपने हालात इस तरह के कर लिए हैं कि हमारी जो सरकार है वो जस्टिफिकेशंस दे रही है और हम जो है
और हम सारा टाइम डिफेंसिव है, हम खुल के बात ही नहीं कर सकते। हम जरा सी खुल के बात करें वो कहने थोड़े को तो पैसे ही नहीं है, आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, आपने IMF से पैसे लेने, आपके मुल्क में दहशतगर्दी है, आपके मुल्क में वो चीनी आए हुए हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, मीडिया कॉम्प्रोमाइज है, सियासतदान अंदर है, मतलब किस तरह की पिक्चर हम पाकिस्तान की पेंट करते हैं, ये सारी बात है। फिर वहाँ जाने गल करो तो मार तो पी है ना, मतलब बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि ये जो चीज़ें हैं दे आर वेरी पेनफुल, कि हमने अपनी और हमने दहशतगर्दी में 15-18 साल की जंग भी लड़ी और जंग अल्हम्दुलिल्लाह दहशतगर्दों को भगाया है, पाकिस्तान ने अपनी स्पेस क्लेम की है, ठीक है, लेकिन वो जो लोन वॉल्फ हैं जो अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, हम उनको नहीं कर सकते क्योंकि हमारी हुकूमत ने खुद 40-50 हज़ार दहशतगर्द इम्पोर्ट की है अफगानिस्तान से। इमरान खान साहब ने जाते जाते ये कहा था मैं क्या करता, अब अफगानिस्तान ने तो इतने दहशतगर्द नहीं रखने थे, ये हमें भी मंगवाने पड़ने थे ना, ये हमें ही इम्पोर्ट करने पड़ने थे। दुनिया में कोई वज़ीर आज़म नहीं होगा जो किसी मुल्क के साथ डील करता होगा ये 50 हज़ार दहशतगर्द हमें दे दो, ये हमारे माशरे में कैंसर की तरह फैल जाएँ और फिर हम इनको कहेंगे अब क्या करते हैं, अब हमने उनको थोड़ा उधर दूसरे मुल्क में थोड़े रखना था इन दहशतगर्दों को। इस तरह के तो बेशरम किस्म के लीडर हैं हमारे पास जो जो अपना उस वक्त जो जिनको पता ही नहीं है यार मौरूजी हालात क्या हैं, ग्राउंड में सिचुएशन क्या है और किस किस किस्म के फैसले करके बैठे हुए हैं हम इन, और ये सारा जो मुल्क है मीडिया दादा बना हुआ, दादा हम कहते हैं मरासी को सारा टाइम तरीफें, वाह हजूर वाह सदके जनाब क्या बात है आपकी, कमाल कर दिया आपके फैसले ज़बरदस्त, वो कहीं इंडियन फिल्म जबरदस्त तो ज़बरदस्त फैसले जनाब आपने कर दिए, ये कर दिया वो कर दिया, सो वेरी अनफॉर्चुनेट वेरी अनफॉर्चुनेट हम जहाँ पहुँच गए हैं। ये सारा अक्सर मैं ये बात अपने इस प्लेटफॉर्म से कह चुका हूँ कि हम ये जहाँ पे पहुँचे हैं ना 75 सालों में पाकिस्तान की एलीट के टोटल दिमाग का जो आउटकम है ना, इनकी जहानत का आउटकम ये आज का मुकाम है पाकिस्तान का, 75 साल की पाकिस्तान की एलीट की जहानत का ये आउटकम है जिथे तुसी खलोते हो, जिथे यूरोपियन यूनियन भी आपको कह रही है, जिसमें IMF भी आपको डांट रही है, जिसमें चाइनीज़ कहते हैं हम आए तो 3 दिन बंद कर दो इस्लामाबाद, चाइनीज़ प्राइज एम्बेसडर इस्लामाबाद में मौजूद नहीं है, ठीक है, अफगानिस्तान अलहदा धमकियाँ लाता है, अमरीका जरा कहता है यार अभी थोड़ी मदद करना चाहते हैं पर बंदे तो पुत्र तो बनो कुछ करो तो सही, अनफॉर्चुनेट वेरी अनफॉर्चुनेट। लेट्स सी क्या होता है, वी शुड कीप टॉकिंग एंड एक्सप्लोरिंग कि इस न्यूज़ में हम हमारी हुकूमत की कुछ सुनता है, हमारी हुकूमत ने क्लेरिफिकेशन तो जारी की है कि हमारी एयर स्पेस 100% सेफ है, लेकिन द डैमेज हैज़ बिन डन।